काटे खुद तो पहन लिए कांटे हर दिल में जिसका मकाम है बोलो तो क्या उसका नाम है गंगुआ 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 एक महिला शेर ने देखा तो किया हमला महिला ने डर के मारे गंगुआ पुकारा सुनते ही नाम शेर भागा देखा ना उसने पीछा आगा सुनते ही नाम शेर भागा ने पीछा आगा औरों को बचाना जिसका काम है बोलो तो क्या उसका नाम है गंगुआ निकला अरे कुछ घड़ा सा लगता है घड़ा अंदर क्या है वो तो देखो सोने किसी के लगते हैं कोई पुराना खजाना मालूम होता है मालिक अपने खेत में एक छोरी काम कर रहा है गोदुली दो दिन काम पे नहीं आई तो मैंने उसकी पगार काट ली वो तो कुछ नहीं बोली मगर वो लाल झंडे वाला है ना गोपाल हड़ताली आके कहने लगा कि छोकरी की पूरी पगार दे दे नहीं तो काम रुक जाएगा फिर मैं क्या डरने वाला था मालिक साले को बोला कि जानता नहीं मैं किसका मुनीम हूँ ठाकुर महेंद्र सिंह का अब साले उनके एक इशारे पर दिल्ली की मिलिट्री की तोप और टैंक गांव में घुसाएंगे चंदन लगा के हाँ मालिक मुबारक हो कुआं खोदते खोदते जमीन में से एक पुराना बर्तन निकला है जिसमें सारी सोने की अशरफियां हैं मालिक ये खजाना आपके परदादा स्वर्गीय गजेंद्र सिंह जी ने आपके लिए गड़वा के रखा था चंदन लगा के देखिए ना एक एक सिक्का कैसा चमक रहा है जैसे इसमें बिजली का बल्ब लगा हुआ हो आज हम बहुत खुश हैं कि हमें अपने परदादा का तोहफा मिल गया है मगर दुनिया जानती है कि ठाकुर महेंद्र सिंह जिंदगी में कभी अकेला खुशी नहीं मनाता होली की तरह सबके साथ मिलकर मनाता है आज हम भी तुम्हारे साथ मिलकर खुशी मनाएंगे हमें तो पुराने जमाने के सरकारी सिक्के मिले हैं लेकिन हम आज के जमाने के नए सिक्के अपनी जनता में बांटेंगे मखनलाल जी मालिक मेरी तो सुबह से आग भड़क रही थी कि या तो आज छप्पर फाड़ के दौलत मिलेगी या जमीन उखाड़ के इसीलिए मजदूरों को इनाम देने के लिए चवन्नी अठन्नी पहले ही भुना के लाया ये लो
ऐश करो मेरे मजदूरों, ये लो, ये लो। जयशंकर तुम भी उठा लो। मखनलाल जी वो बर्तन उठा लो। गज कर ठहरिए मुनि जी। मालिक आप तो कायदा कानून ज्यादा जानते हैं, जमीन से निकले हुए खजाने पर सरकार का हक होता है। बकवास बंद कर, इस इलाके की सरकार हम हैं। मखनलाल उठा बर्तन। खबरदार, सिकों की हड्डी फेंक कर ये खजाना हड़पने के चक्कर में उठाकर जब तक पुलिस यहां पहुंच न जाए कोई इस बर्तन को हाथ भी नहीं लगा सकता। मखनलाल उठा उस बर्तन को, देखते हैं क्या कर लेगा ये। हट। अगर तुम में से किसी ने इस बारे में जुबान भी हिलाई तो उसके पूरे खानदान की जबानें कटवाकर हम अपनी कोठी के अजायब घर में लटका देंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे जानवरों में भूसा भरकर लटकाया हुआ है। सब जानते हैं कि मुझे शिकार का कितना शौक है, और फिर वो शिकार जानवर का हो या आदमी का। हाँ हाँ बाबा मत झुकाओ सर, मैं कब कहती हूँ, किसने कहा था तुम्हें कि ठाकुर के यहाँ जाकर नौकरी करो, खुद ही नौकरी करने गए और जबरदस्ती की परेशानी खरीद लाए। कोई परेशानी वरेशानी खरीद के नहीं लाया, हमने भूखा रहकर भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा और आज भी नहीं छोड़ेंगे। तुम मेरा गमछा ले आओ, मैं थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाता हूँ। अच्छा तो मैं चलता हूँ। सुनो मेरा दिल घबरा रहा है, तुम अकेले मत जाओ, अपने दोनों बेटों में से किसी एक को तो साथ ले जाओ, गंगवा को या भीमा को। घबराने की कोई बात नहीं पार्वती, मैं कोई जंग लड़ने जा रहा हूँ थोड़े ही, सिर्फ थाने जा रहा हूँ। अरे हाँ, गंगवा आए तो कहना मेरे आने तक घर पर इंतजार करे, और भीमा आए तो कहना कि गन्ने की कटाई हो चुकी है, जड़ों में आग लगाने का प्रबंध करके रखे। हाँ ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। हाँ चलो। भगवान भला करे हमारे वकील बाबू का कि आपकी गिरफ्तारी की खबर सुनते ही थाने पहुंच गए और चक्कर चला करके आपको छुड़ा के ले आए, वरना कहीं रात भर आपको हवालत में ही रहना पड़ता तो गांव वालों के सामने हमारी नाक कट के लटक जाती। अरे ठाकरों की रियासत बेलापुर पीढ़ी दर पीढ़ी से अपनी शान और शौकत के लिए अगल बगल के हजारों गाँव में मशहूर है। जिस गांव में भी हमारे ठाकुर परिवार का जिक्र आता है लोग इज्जत से सर झुका लेते हैं, लेकिन इस जलेबी के ढक्कन जयशंकर ने बेइज्जती का घुटना मार करके हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया। उस इंसाफ और कानून के वफादार जयशंकर को उसके पूरे परिवार समेत हमारे सामने पेश किया जाए। मालिक इनकी गलती के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, आप लोग तो बड़े हैं ना, छोटों के अपराध को माफ कर दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए मालिक, इन्हें छोड़ दीजिए। नहीं पार्वती, पार्वती सांप के बिल में हाथ डालने से एक बार जहर की जगह अमृत मिल सकता है, लेकिन इन बेरहमों के चरणों में सर झुकाने से रहम नहीं मिल सकता। इन राक्षसों की गुलामी करके अपनी जान गंवाने से बेहतर है कि इनका मुकाबला करते करते अपनी जान दे दे, ताकि हमारे बाप जीवन भर हमारी औलाद याद रखे कि उनके माँ बाप ने सर कटा दिया मगर जुल्म के आगे सर नहीं झुकाया। वाह वाह वाह, क्या जलाल है, जुबान पर शब्दों का क्या कमाल है। हम अगर ठाकुर न होते और तुम हमारे मुजरिम न होते तो हम तुम्हें इनाम देकर मुआफ कर देते, मगर हम मजबूर हैं,
इस वक्त हम शिकारी हैं और तुम हमारे शिकार हो, और हमारे शिकारी कुत्ते तुम्हें नोचने के लिए तड़प रहे हैं। थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, मगर माफ करना। हाँ तो शुरू हो जाओ। जी जी जी, ये जानवर तो बहुत जल्दी बेहोश हो गए। हाँ मालिक, मार का कमाल है चंदन लगा के। अबे गधे, ये मर जाएंगे तो इनकी लाशों से बदबू आएगी, जरूर आएगी। और तुम तो जानते हो कि हमें बदबू से नफरत है। हटाओ इन्हें यहाँ से। चले इन्हें हटाओ, मैं बाद में आके देखता हूँ। गंगवा भैया, क्या है रे? ठाकुर महेंद्र सिंह के आदमी जबरदस्ती तुम्हारे घर के अंदर घुस गए और तुम्हारे माँ बाप को जानवरों की तरह गलियों में से घसीटते हुए ले जा रहे हैं। मालिक, इस हरामी का बाप तो सिर्फ बातों का धनी है, लेकिन यह जंगली सुअर हाथों का धनी निकला। इसके हाथों का इंतजाम तो मैं कर दूंगा, मगर इसके माँ बाप के बारे में तुमने क्या सोचा है? सोच रहा हूं उन दोनों का जीते जी अग्नि संस्कार करवा दूं, ताकि बगावत जड़ से ही खत्म हो जाए चंदन लगा के। ठीक है, इसके माँ बाप तुम्हारे शिकार हैं, जो जी में आए करो, मगर ये मेरा शिकार है, इससे मैं निपटूंगा। जानवरों के ताजा जख्मों से खेलने में मुझे मजा आता है। उल्टा लटका दो इसे, ताकि इसके सारे शरीर का खून आंखों में उतर आए और फटकर टपकने लगे। मरने से पहले इसे पता चल जाए कि ठाकुर महेंद्र सिंह वो इंसान है जिसका जुल्म के मैदान में शैतान भी चेला है।
जमींदर सिंह के गुंडे हमारे घर में घुसकर हमारी अंधी माँ और बूढ़े बाप को जानवरों की तरह गांव के गलियों से घसीट कर महेंद्र सिंह के घर ले गए। वहां उन्हें मार मार कर उनके शरीर का एक एक अंग तोड़ दिया। और ये सोचकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है कि उस वक्त मैं बदनसीब वहां नहीं था, मैं वहां नहीं था। और इतना ही नहीं, ठाकुर ने उनके हाथ पैर रस्सी से बंधवाकर तुम्हारे ही खेत में उनको जिंदा जला दिया। और उस वक्त ये बुजुर्ग गांव वाले डर के मारे अपने घर में दरवाजा बंद के बैठे थे, क्योंकि ठाकुर महेंद्र सिंह ने उनको चेतावनी दी थी कि अगर किसी ने अपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला या तुम्हारे मां बाप के साथ हमदर्दी की तो उनको उनके बाल बच्चों समेत खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डुबा दिया जाएगा। ठाकुर महेंद्र सिंह ने सोए हुए शेर के सीने में ठोकर मारकर उसे जगा दिया है। उसने वो आग हमारे मां बाप को नहीं लगाई है, बल्कि मेरे सीने में लगाई है, मेरे खून की एक एक बूंद में लगाई है। और मैं उस आग से ठाकुर महेंद्र सिंह को उसके पूरे खानदान समेत जलाकर खाक कर दूंगा। और वो दिन दूर नहीं है गंगुआ, कल महेंद्र सिंह का जन्मदिन है, जो वो बड़ी धूमधाम से मनाएगा। और मैं उसके जन्मदिन को मरण दिन में बदल दूंगा। लोग जश्न में गुलाल उड़ाएंगे और मैं ठाकुर महेंद्र सिंह के खून के फवारे उड़ाऊंगा। उसके बाद मेरी जिंदगी में जीत ही जीत होगी, हार नाम का कोई लफ्ज नहीं होगा। कसम काली माता की।
जादू ये फेर के चुप रहूं जब तक दिल कर धक धक रातों की नींदें हरा चंपा। थोड़ा पानी लाओ। क्या किया गंगवा? अपनी आजादी के पर काट दिए, अपने पैरों में बेड़ियां डाल दी। अब तुम जहां जाओगे पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी रहेगी। सुना है पास वाले शहर से पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आ रही है। इससे पहले कि कोई तुम्हें पकड़ ले तुम यहां से चले जाओ गंगवा। जाता हूं। अगर मुझे किसी वक्त किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मैं तुझे खबर भेजूंगा। हाँ। Thank you.
होशियार, छोटे टाकू पधार रहे हैं। छोटे ठाकुर, बड़े दुख की बात है। तुम गांव से क्या गए? मौत बड़े ठाकुर को ले गई, उनका साया हमारे सर से उठ गया। कौन है जो हमारे भाई का सर काट के ओके तन से जुदा किया है? हम उनका तन काट के ओके सर से जुदा कर देंगे। टकला नहीं झुकाओ, हमका जवाब चाहिए। मैं तुम नहीं भैया, हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे। तुम बहुत अच्छा किया जो हमारे भाई का टकला काट के गटर में फेंक दिया। वो साला बहुत जालिम आदमी था, हम खुद ही तीन चार मर्दों का टकला काट चुके हैं। हमको मत मारो, यहाँ बहुत दुखता है। नहीं ठाकुर, मैं तो इस हवेली का नया नौकर हूँ। तो साला पहले काहे नहीं बोला, हमारा कलेजा पिघलाई के पानी बना दिया ससुर के नाते। मैं ये कह रहा था, बड़े ठाकुर का खून गंगुआ ने किया था। हाँ मालूम है। तो समझे गाँव वालों, अब हम आ गए हैं, घबराने की कोनो जरूरत नहीं है। अरे गंगुआ कामों के बाप का टकला काट के लात मार के हुआ फेंक देंगे। हम जहाँ से गुजरते हैं हुआ से जिंदगी भाग जाती है, मौत के तो भागने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जाओ ऐस करो, भगवान तोरा भला करे, मगर करेगा नहीं। गंगुआ, तुमने तो एक ही झटके में ठाकुर महेंद्र सिंह की जिंदगी की डोर काट दी। उस बेचारे को इतना भी मौका नहीं दिया कि वो इस बात का एहसास कर सके कि उसे अपने जुल्मों का क्या अंजाम मिल रहा है। अब हर अत्याचारी का यही अंजाम होगा। हम उन तमाम पैसे वालों के सर कुचल देंगे जो साम बनकर दौलत के जहर से गरीबों को बेमौत मार रहे हैं। इस काम के लिए और अपनी रक्षा के लिए हमें हथियार इकट्ठे करने पड़ेंगे, मगर उससे पहले यह याद रहे, हमारा सबसे बड़ा हथियार है एकता। मेरे हाथ पर हाथ रखकर कसम खाओ कि हम हमेशा एक रहेंगे, हर हाल में एक दूसरे का साथ निभाएंगे। जिंदगी हो या मौत, एक दूसरे की वफादारी का दामन नहीं छोड़ेंगे। गंगवा भैया, अपनी एकता और वफादारी के सबूत के लिए हम भी अपने हाथों पर ऐसा ही त्रिशूल का निशान बनाएंगे जैसा कि तुमने अपने हाथ पर बनाया हुआ है। हम पांचों मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां ना कोई जुल्म करेगा ना कोई जुल्म सहेगा। आज से तुम हमारे सरदार हो और हम तुम्हारे साथी। हाँ गंगवा, खुदा इस बात का गवाह है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे, भले ही हमारे जिस्म अलग हो जाए लेकिन हमारी रूहें एक रहेंगी, हमारा मकसद एक रहेगा। शाबाश अब्दुल्ला, तुम्हारा जैसा दोस्त, भीमा जैसा भाई और मोती और काले जैसे साथी जिसके पास हो, वो आदमी इस दुनिया में क्या नहीं कर सकता। बन के गया मत जो टूटा, जिसने लुटेरों को लूटा, अमीरों से छीना गरीबों में बांटा। ना वो हिंदू ना मुसलमान है, इंसानियत ही ईमान है। ना वो हिंदू ना मुसलमान है, इंसानियत ही ईमान है। प्यार ही जिसका पैगाम है, बोलो तो क्या उसका नाम है। गंगुआ गंगुआ गंगुआ, नाम गंगुआ उर्फ गंगा दीन जयशंकर, उम्र 26 साल, गांव बेलापुर। इसकी माँ पार्वती और इसके पिता जयशंकर को बेलापुर के जमींदार ठाकुर महेंद्र सिंह ने जाति दुश्मनी के बिना पर हलाक कर दिया। गंगुआ ने अपने माँ बाप के बदले ठाकुर महेंद्र सिंह को उसके जन्मदिन पर उसके 8 साथियों के साथ खत्म कर दिया। नेक्स्ट। नाम भीमा, उम्र 27 साल, गांव बेलापुर। ये गंगुआ का भाई है, इस लड़ाई में ये भी गंगुआ के साथ शामिल था। नेक्स्ट। नाम अब्दुल्ला, उम्र 24 साल, गांव बेलापुर।
ये गंगवा का बचपन का दोस्त, वफादार और हमदर्द भी है। नेक्स्ट। नाम कालिया, उम्र 28 साल, गांव बेलापुर। ठाकुर महेंद्र सिंह ने धोखे से इसकी जमीन अपने नाम लिखवा ली थी, तब से ये बागी हो गया। इसका ताल्लुक नक्सलाइट ग्रोह से भी है। नेक्स्ट। नाम मोतीलाल चौधरी, उम्र 25 साल, गांव बेलापुर। इसकी बहन के साथ महेंद्र सिंह ने बलात्कार किया और उस लड़की ने बाद में खुदकुशी कर ली। ये भी महेंद्र सिंह से बदला लेने का मौका तलाश करता रहा और यही वजह थी कि वो गंगवा का साथी बन गया। हाँ, तो ये तमाम खूनी दरिंदे जंगल में घूम रहे हैं। सर, सिर्फ इतना पता चला है कि गंगवा जब भी चाहता है अपने गांव आता है और फिर जंगल में गायब हो जाता है। गांव का कोई आदमी भी ये बताना नहीं चाहता कि उसका अड्डा कहाँ है और वो कहाँ छिपा हुआ है, क्योंकि वो गांव वालों की मदद करता रहता है। ये भी तो हो सकता है कि गांव वाले डर के मारे उसका पता ना बताते हों। नहीं सर, गांव वाले गंगवा से बिल्कुल नहीं डरते, बल्कि उसे अपना देवता समझते हैं, भगवान मानते हैं। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग केस। खूनी अगर भगवान बन गए तो आसमान से खून की बारिश होने लग जाएगी। खैर, ये केस मैं तुम्हारे हवाले करने के बजाय खुद हैंडल करना चाहूँगा। आप ऐसा कीजिए, इस केस की सारी फाइलें मुझे दे दीजिए और फौरन बेलापुर जाने की तैयारी कीजिए। यस सर। मैं उस भगवान गंगवा को गिरफ्तार करना चाहूँगा। इस गांव का चौधरी कौन है? मैम जी, हम हैं। और मुंसिफ? वो भी हम ही हैं। और इस गांव का पटवारी कौन है? वो भी हम ही हैं साहब। काहे के गांव के मुखिया, सुबजिंतर, सब कुछ हम ही हैं। हमारा नाम नयन कटारी, दिल बिहारी, प्रेम पुजारी, प्यारे प्रीतम सिंह है। साहब, हम ही गांव वालों को खबर किया रहा कि महाराज पधार रहे हैं। वो लोग जो गंगवा का पता ठिकाना जानते हैं, मैं चाहूंगा कि वो आगे आए और मुझे बता दें। साहेब, कसम उबलती जवानी की, माफ करना, ये गांव में जितने औरत मर्द हैं, ये सब लोगों को गंगवा से बहुत हमदर्दी है। चोट उसके लगती है, फड़फड़ाते ये लोग हैं। ये लोगों ने मिलकर फैसला किया है कि जान दे देंगे मगर गंगवा के साथ बेईमानी नहीं करेंगे। पुलिस को उसका आता पता नहीं बताएंगे। भगवान तोरा भला करे मगर करेगा नहीं। इन लोगों की खामोशी गंगवा को पुलिस के शिकंजे से नहीं बचा सकेगी। और हाँ, मैं आप लोगों से भी एक बात कह देता हूं, गंगवा से हमदर्दी करना अपनी जिंदगी से दुश्मनी करना है। पागल कुत्ते को हड्डी खिलाने से वो दोस्त नहीं हो जाता। गंगवा एक बेरहम कातिल है। 9 इंसानों का खून उसके हाथों में लग चुका है और इतने खून करने के बाद तो फरिश्ता भी शैतान बन जाता है। और फिर वो तो एक मामूली इंसान है। इसकी क्या गारंटी है कि वो किसी भी दिन तुम लोगों में से किसी का खून नहीं करेगा? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि कुछ लोग गंगवा के लिए जासूसी करते हैं, यहां की खबरें उस तक पहुंचाते हैं। मैं उनको बावाज़ बुलंद कह रहा हूं कि वो जाएं और जाकर उस तक मेरा पैगाम पहुंचा दें कि मैंने गंगवा को गिरफ्तार करने की कसम खाई है। ये केस मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर तुम लोग कानून की मदद करोगे तो कानून तुम्हारी रखवाली करेगा, और अगर तुम लोग कानून से दुश्मनी मोल लोगे तो ये दुश्मनी तुम लोगों को बहुत महंगी पड़ेगी। चंपा चमेली, तुम क्या चाहिए? है हाथ रखकर वो जो कमर को झटकते हैं, रेशमी दिल मोरा पत्थर पे पटकते हैं। यहाँ किस लिए आया है? हरी घास को देखकर बकरा काहे हिनहिनाता है, कौली हड्डी को देखकर कुत्ता काहे अपनी दुम हिलाता है, और चिकने पराठे को देखकर भूखा काहे अपनी जबान निकालता है। ये चंपा का घर है, कोई बाजारी शरीर बेचने वाली की दुकान नहीं। तो हम कहाँ शरीर खरीदने आवा है? हम कभी कहा है कि शरीर का कोई 2 किलो नरम हिस्सा काट के दो? देखो, गुस्सा नहीं करो, हम तो को खुश करे खातिर ई मिठाई लावा है। रेवड़ी। हट, रेवड़ी के आए नुकसान कर दिया। देखो, नाराज मत हो, ये बकर तोरी तबीयत कुछ नासाज लग रही है। अगर तुम कहो तो
हम रात में आ जावें? लगता है हाँ कहेगी है? रात को अरे का कर रही हो बीवी का दूर रख दूर रखो जो दिन से हमारे भाई का टकला कटा है छुरी देखती है हमारा टकला को कटने लगा है दूर रखो तुम यहाँ से जाते हो या नहीं नहीं तो तबला सरंगी उठा के तुम्हारे सर पे दे मारूंगी निकलो यहाँ से जाते हैं पर इतना बता के जाते हैं कि तुम किसको अपने घर से बाहर निकाल रही हो हम जैसे आदमी को वो जो नए डीएसपी साहब आज ही आए हैं ना वो हमको कितना मान दिया कितनी इज्जत दिया अपना आदमी भेज के हमको बुलाया और तुम हम जैसे बड़े आदमी को जिस पे जमाना फूल फेंकता है तुम तबला सारिंगी फेंक रही हो बाहर निकाल रही हो भगवान तोरा भला करे मगर करेगा नहीं क्या बात है भीमा काफी जैसे खुसुर पुसुर हो रही तुम दोनों में कुछ नहीं गंगवा ये बुलेट कुछ मालपानी कमाने का रास्ता बता रहा है लगता है तुम दोनों माल कमाकर गरीबी की दुनिया से निकलकर महलों में जिंदगी गुजारने के सपने देख रहे हो हा? अरे गंगवा भैया मुझे मालूम है तुम्हें दौलत से प्रेम नहीं है पर मेरे जैसे गरीबों के लिए तो बहुत काम आती है पेट भरने के लिए ए बकवास बंद कर और सीधे सीधे मुद्दे की बात कर मैं बताता हूँ अपने पड़ोस का गाँव है ना कमलपुर वहां से लड़की वाले और लड़के वाले दोनों शिवपुर जा रहे हैं शादी मनाने हाँ और दोनों तगड़े आसामी हैं बहुत सामान ले जा रहे हैं अपने साथ आज रात बैलगाड़ी में बैठकर वो इसी जंगल से गुजरने वाले हैं बस बोल दे दावा और ले ले मेवा अब्दुल्ला आज रात जंगल के रास्ते बैलगाड़ी से गुजरने वाले अमीरों को गरीब बनाने की तैयारी शुरू करो नाम क्या है जमना निकालो सब जेवर और क्या बचा है तेरे पास ये किसका है कल मेरी शादी है ये मंगलसूत्र मेरे लिए है ओ तो तुम ही हो दुल्हन हाँ तुम्हारे साथ जो बाराती थे वो सब के सब आपको देखकर भाग गए और तुम्हारा दूल्हा वो भी अच्छा वो जो गीदड़ की तरह दुम दबाकर भाग रहा था वही तुम्हारा दूल्हा था अब्दुल्ला इसके जेब से वापस कर दो ले लो ले लो और ये मंगलसूत्र संभालो औरत जात के लिए बहुत पवित्र चीज मानी जाती है लो एक बात कहूं ये मंगलसूत्र उस बुजदिल के हाथों अपने गले में मत बंधवाना जो तुझे छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग गया बल्कि किसी ऐसे बहादुर मर्द से बंधवाना जो जिंदगी भर तेरी रक्षा कर सके जो तेरी जान बचाने के लिए खुद बढ़कर मौत को गले लगा ले बुजदिल की बीवी होने से बिन भियाई रहना अच्छा है समझी अब्दुल्ला
गाड़ी तैयार करो। लेकिन गंगवा, सब बैल तो भाग गए। कोई बात नहीं, इस लड़की को संभाल कर जरा होशियारी से गांव की सरहद तक छोड़ाओ। अच्छा सुनिए, गांव की सरहद आ गई है, अब तुम जाओ। खुदा तुम्हारे दामन में इतनी खुशियां भर दें कि तुमसे संभाली ना जाए। अपने शौहर के साथ सदा खुश रहो, सदा सुहागन रहो, यही दुआ करूंगा। एक मुसलमान भाई की तरफ से अपनी बहन की शादी पर से तोहफा समझ कबूल करना। खुदा हाफिज। रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस पवित्र जगह पर कदम रख सको? क्या मतलब? चलो बेटा, इससे बात करके अपनी जबान खराब मत करो। चलो चलो यहां से। ठहरिए पिताजी, जाने से पहले इसे एक दो बातें तो सुनाता जाऊं ताकि ये चुल्लू भर पानी में डूब मरे और मेरे मेरे जले हुए मन को शांति मिल जाए। आप कहना क्या चाहते हैं? तुम गंगवा के साथ रात गुजार कर आई हो, ये गंगवा के साथ रात गुजार कर आई है और मुझसे कहती है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अरे जा बेशर्म, तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो अब तक खुदकुशी करके जान दे चुकी होती। बेशर्मों की तरह यहां ना आती और ना ही इतनी हिम्मत करती कि सबके सामने यहां खड़ी हो सके। अरे जब तुमने मर्द होकर अब तक खुदकुशी नहीं की, ये सबके सामने बेशर्मों की तरह खड़े हो तो मुझे क्यों शर्म आएगी? जमना चुप हो जा, वरना गुद्दी से जबान खींच कर निकाल दूंगी। देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस बेवकूफ लड़की की बातों का बुरा मानकर शादी मत रोक देना। घबराती क्यों हो छोटी माँ? इस डर से कि जिस बला को तुम अपने घर से निकालना चाहती हो कहीं वो वापस ना आ जाए? लेकिन डरो मत, मैं तुम्हारे यहाँ वापस नहीं आऊंगी और ना ही तुमसे अपने स्वर्गवासी पिता की जायदाद का हिस्सा मांगूंगी। खामोश, अपने होने वाले पति के सामने ऐसी बेहुदा बातें करते हुए शर्म नहीं आती? कौन पति? ये आदमी मेरा तो क्या इस दुनिया में किसी भी लड़की का पति बनने के लायक नहीं है। अच्छा तो फिर यहाँ किस लिए आई हो? लोगों को ये बताने आई हूँ कि तुम कितने बड़े बहादुर हो। दुनिया के सबसे बुजदिल इंसानों के बीच घबरा के भागने की होड़ रखी जाए तो उस होड़ में सबसे पहला इनाम तुम ही को मिलेगा। बकवास बंद करो, अपनी इज्जत एक डाकू के हवाले करके आई हो और बातें ऐसे इतरा कर रही हो जैसे कि सती सावित्री हो। सती सावित्री का जमाना होता तो मैं श्राप देकर तुम्हारे जैसे सत्यवान को उसके पूरे परिवार के समेत जलाकर भस्म कर देती। तुम अपने आप को मर्द कहते हो? तुम जो चंद डाकुओं से घबराकर अपनी होने वाली दुल्हन को जंगल में छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग गए, धिक्कार है तुम पर। मैं समझी थी कि ये साड़ी मेरी शादी का जोड़ा है, मेरे पहनने के लिए है, लेकिन अब पता चला कि इस साड़ी के असली हकदार तुम हो। तुम्हें पहननी चाहिए ये साड़ी, लो पहन लो। जमना चिल्लाओ मत छोटी माँ, मैं सबको पहचान गई हूँ। तुमने आज साबित कर दिया कि सौतेली माँ आखिर सौतेली होती है। तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार तो क्या सरसी हमदर्दी भी नहीं है। वरना अगर मेरी जगह तुम्हारी अपनी बेटी होती, तुम्हारी कोख से जन्मी होती, तो क्या तुम उसे भी ऐसे बुजदिल नामर्द के हाथों सौंप देती? आज पता चला कि इस दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली हूं, बिल्कुल अकेली। बेटी बेटी आंखें खोलो, बेटी बेटी देखो, आंखें खोलो बेटी। ले थोड़ा सा पानी पी ले। बेटी तू इस गांव की तो नहीं लगती, कहां से आई है, कौन है तू? घबरा मत बेटी, मैं तेरी माँ जैसी हूँ। बता क्या बात है, बोल बेटी।
मैं पड़ोस के गांव कमलपुर की रहने वाली हूँ। आज सवेरे यहाँ शिव मंदिर में मेरा लगन होने वाला था, मगर नहीं हुआ। क्यों? कल रात जब बारात जंगल से गुजर रही थी तो अचानक गंगवा ने हमारा रास्ता रोक लिया। क्या कह रहे हो तुम? मुंशी, तुम सगे बेटी की तरह मुझसे प्यार करती हो, मुझे खिलाती पिलाती हो, क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? मैं तो जैसे डाके आए दिन डालता हूँ, ऐसे कल रात भी डाला और ये तूफान खड़ा हो गया। मुझे इस लड़की से पूरी हमदर्दी है। लेकिन तेरी ये हमदर्दी इस बेसहारा लड़की की जिंदगी को उजड़ने से तो नहीं बचा सकती ना। तो क्या करूं मैं? ठीक है, तो ऐसा करो मौसी, तुम इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ निकालो। मैं खुद जाकर उस लड़के के माँ बाप से बात करूंगा और उससे इसकी शादी करा दूंगा। क्या ये इल्जाम काफी नहीं है कि इसने तेरे साथ रात गुजारी? अब ये कलंक भी इसके माथे पर लगाना चाहता है कि इसकी शादी भी तूने करा दी। तो फिर क्या करूं? आपने आपको गोली मार दूं? मौसी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरी समस्या का हल किसी के पास नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और जबरदस्ती मुझे यहाँ घसीट लाए। चलो यहाँ से, मेरी तकदीर में जो लिखा है मैं खुद ही भुगत। रुक जाओ, मैंने जानबूझकर तेरे बसे हुए घरंदे को ठोकर नहीं मारी, अनजाने में कुसूर हो गया। लेकिन फिर भी अगर तुम ये समझती हो कि तुम्हारी जिंदगी की बर्बादी का कारण मैं हूं, तो मौसी इसके लिए गांव में रहने का बंदोबस्त करवा देना। जो रूखा सूखा तुम्हें बेचते हैं उसमें से थोड़ा सा इसकी थाली में भी डाल दिया करना। जब तक गंगवा जिंदा है इस जिम्मेदारी को निभाता रहेगा। अरे चल जल्दी ला, का लहरा रहा है रे? ये लोगन की भूख लागी है, इनके भूख की बदबू यहाँ तक आ रही है। ले जाओ माँ बहनों, ले जाओ, भगवान तोरा भला करे, मर करेगा नहीं। मालिक, ये तो भूसा है, हमको मजूरी में क्यों दे रहे हो? ये भूसा क्या, हम अपनी सर की खेती में उगाया है। तुम उगाया है, तुम्हें को दे रहे, भगवान तोरा भला करे, मगर करेगा नहीं। मालिक, कहा है? हम गरीबों के बच्चे भूख से मर रहे हैं। तो कहा है पैदा किया, और जब भूख से मर रहे हैं तो कहा हम बिना चड्डी बिना लंगोट के बच्चा को अपने गोद में रख रहे हैं? लेना है तो लो, नहीं तो जा, जा अपना काम कर। नहीं मालिक, हम सबके बच्चे भूखे पेट खाने का इंतजार कर रहे हैं, खाने के लायक अनाज दे दो, जो हम लोगों का हक होता है। हक? अरे भक्त, हमका धमकी दे रहा है, बगावत की आंख दिखा रहा है। मालिक, हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक तुम हमारा असली हक, हमारा हिस्सा नहीं दोगे। ऐसन हिस्सा चाहिए तो का, तो आज हिस्सा कर ही डालते हैं, भगवान तोरा भला करे, मर करेगा नहीं। बिलुआ आ गवा हिस्सा, बिलुआ दौड़ा सालों के। देखा है इलायची, ये जो हम किया है सब कुछ समझ में आवा? हाँ मालिक, आ गया समझ में। का आवा? यही, गांव वाले कुत्तों तक की बात मानते हैं, मगर आपकी नहीं। हाँ। तुम्हारी मातारी का कुत्ता मारूं? किसकी शामत आई है जो गंगवा के होते हुए तुम लोगों को भूखा मारने की हिम्मत कर रहा है? वही शैतान, बड़े ठाकुर का छोटा भाई, छोटा ठाकुर। अच्छा, उसकी ये जुर्रत की गरीबों के मुंह की रोटी छीन ले। भीमा मोती काली अब्दुल्ला, आज रात हम उस कमीने का चावल का गोदाम लूटेंगे। हैं काका, ओ ओ, हमारा गोदाम लूटना चाहता है, मर गए, हम लूट गए, हम तबाह हो गए। अरे गांव वालों को जाके बोलो, आके अपने मजदूरी का अनाज लेके चले जाएं, हम तो मस्करी में रख लिया था, दिल लगी कर रहे थे। अगर वो कहें तो हम चूल्हा जला के उनके घर में खाना पका देंगे, चावल चला देंगे। अरे मगर हमको बचा लो, अरे हमारा कुछ करो। अरे मैं अभी बस में जाकर ठेसवी साहब को इस बात की खबर करके आऊंगा। नहीं है, ठीक 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 नहीं रहेगा, तू यहाँ टहर में जाकर खबर करके आता हूँ। ये भी ठीक नहीं रहेगा। अरे तो फिर क्या ठीक रहेगा? मैं अभी जाकर ठेसवी साहब को फोन कराऊंगा, तुम इधर बैठ के देखते रहो। कहा देखते रहो? कि वो हमारे बाप की गोदाम की चिता कैसे जलाता है, हमारा खजाना कैसे सुलगाता है। ए भगवान, हमारे ऊपर रहम करो, नहीं करेगा। आए हाँ।
अब्दुल्ला, यह अनाज की बोरियां ले जाकर उन गरीब मजदूरों और किसानों में बांट दो जो भूख से तड़प रहे हैं। जल्दी करो। बीमा, तुम लोग हनुमान पहाड़ी पहुंच जाओ, मैं तुम्हें बाद में आकर मिलता हूं। घर में कोई भी हो, चिल्लाना मत, मैं गंगवा हूं। पुलिस मेरा पीछा कर रही है, मेहरबानी करके मुझे यहां से बाहर जाने के लिए मत कहना। आपको अपने ही घर में रहने के लिए इजाजत की क्या जरूरत है? जमना, तुम इस वक्त अकेले हो घर में, और कोई नहीं है? नहीं, क्यों? तो मैं चलता हूं। अरे, अभी अभी आप ही तो कह रहे थे कि पुलिस ने आपको घेर रखा है, फिर कहां जा रहे हैं आप? मेरी वजह से पहले ही तुम बदनाम हो चुकी हो, तुम्हारी शादी भी रुक गई। मैं नहीं चाहता फिर एक बार मेरे कारण लोग तुम्हारी इज्जत पर कीचड़ उछाले। पुलिस की गोलियों का शिकार होना मुझे मंजूर है, लेकिन तुम्हारे साथ अकेले में यहां रहना मुझे मंजूर नहीं है। ठहरिए, इतने बड़े बहादुर होकर ये कैसी बुजदिलों जैसी बातें करने लगे आप? जमना, हम चाहे कितने भी निर्दोष हो, जानती हो लोग क्या कहेंगे? कहेंगे अंगारा और रुई एक साथ हो और आग ना लगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखिए, ना तो अंगारे का जलाने का इरादा है और ना ही रुई को जल जाने का डर है, तो फिर खतरा किस बात का? लोग क्या कहेंगे इसकी मुझे परवाह नहीं। हाँ, अगर आपको अपने आप पर विश्वास नहीं तो बेशक आप जा सकते हैं, मैं दरवाजा खोल देती हूँ। लगता है बहुत देर से कुछ नहीं खाया, मैं खाना लगा देती हूँ। गंगा कहीं नहीं मिला साहब। आओ आगे देखते हैं। ऐसे क्या देख रहे हैं, खाइए ना। ये अनाज का एक एक दाना आप ही का दिया हुआ है, आप ही की मेहरबानी से तो इस घर में चूल्हा चलता है, खाइए। Hey!
मुझे नहीं मालूम। लगता है तुम उससे बहुत ज्यादा डरते हो या फिर बहुत ज्यादा वफादारी निभा रहे हो। ये दोनों ही सूरतें तुम्हारे लिए खतरनाक हैं। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो बताओ गंगवा कहाँ है। डीएसपी साहब, मेरा नाम है अब्दुल्ला, जिसका मतलब है अल्लाह का बंदा। अरे अल्लाह के बंदे सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और किसी से नहीं, ना किसी इंसान से और ना मौत से। तुम मुझे मार भी डालोगे ना तो भी अब्दुल्ला की जबान से उसके दोस्त कंगवा के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं निकलेगा। जितना चाहे मुझे मारो, आखिरी सांस तक मेरी जबान से यही निकलेगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। इंस्पेक्टर, लगता है इसे बहुत ज्यादा भूख लगी है, ले जाओ और इसकी अच्छी तरह खातिर तवज्जो करो। ओके सर। गंगवा भैया, गंगवा भैया, गंगवा भैया, अब्दुल्ला को पुलिस पकड़ कर ले गई है और थाने में उस पर बहुत से जुल्म किए जा रहे हैं। क्या? चलो मेरे साथ। अब्दुल्ला, तुमने जिद अभी तक नहीं छोड़ी, अपने सरदार के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मेरी समझ में नहीं आता, एक गैर आदमी जो खूनी है, जो कानून और मजहब की नजरों में मुजरिम है, तुम ऐसे आदमी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। देखो अब्दुल्ला, अगर तुम मुझे गंगवा का पता बता दोगे तो मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी सजा माफ करवा दूंगा, मैं तुम्हें कानून से माफी दिलवा दूंगा। बताओ अब्दुल्ला, बताओ मुझे गंगवा का पता बताओ अब्दुल्ला। बताऊंगा। गुड इंस्पेक्टर। यस सर। इसे ले आओ। सब बैठ सकता हूँ? हाँ बैठ जाओ। साहब प्यास लगी है, पानी पानी पानी। इसके लिए कुछ पीने के लिए लाओ। जी साहब। ठीक है, और चाहिए? बस। अरे देखो अकेला घोड़ा जा रहा है, ये तो गंगवा। तुम ही डरो, चलो। अब बताओ गंगवा कहाँ है? हाँ सब बताता हूँ। ये क्या किया तुमने? रसू जी साहब। रसू अब मुसलमान है, इंसानियत ही ईमान है, ना वो हिंदू ना
या मुसलमान है, इंसानियत ही ईमान है, प्यार ही जिसका पैगाम है, बोलो तो क्या उसका नाम है। चाची ये भीड़ कैसी लगी है? वो दुर्गा की बेटी राधा है ना, एक बदमाश ने उसे खेत में पकड़कर जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार किया और उसकी इज्जत लूट ली। बोल बेटी, कौन है वो चंडाल जिसने तुझे बर्बाद नहीं किया बल्कि हमारे खानदान के नाम पर थूक दिया? बोल बोल बेटी, बोल बोल। बेटी तुम दोनों नए नए आए हो इस गांव में और आते ही ऐसी भयानक घटना घट गई। देखो बेटी, वो बदमाश चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, हम उसे पंचों के सामने लाएंगे और कुत्ते की मौत मारेंगे। बोलो बेटी, बोलो वो कमीना कौन है? राधा, इतने सारे लोग पूछ रहे हैं, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? खामोश रहकर उस पापी को बचाने की कोशिश क्यों कर रही हो? पापी का नाम छुपाना सबसे बड़ा पाप होता है, अपने लिए न सही, अपने माँ बाप की इज्जत के लिए, सारे गांव की इज्जत के लिए उसका नाम बता दो। बोलो कौन है वो? आप लोग थोड़ी देर के लिए जरा बाहर जाइए, मुझे इसे अकेले में बात करने दीजिए। सब चले गए, अब बताओ कौन है वो? अगर मैं ये बताऊंगी तो गांव में कोई भी मेरा विश्वास नहीं करेगा। मैं तुम्हारा विश्वास करूंगी, मुझे बताओ, डरो मत, बोलो कौन है वो? ये वो ही आदमी है जो गांव वालों की रक्षा करने का ढोंग करता है और जिसको सब भगवान मानते हैं। मतलब? गंगुआ, वही है जिसने मेरी ये हालत बनाई, किसी ने मुझे अकेली पाकर मेरी इज्जत मेरे आबरू लूट डाले। नहीं राधा, ये सच नहीं हो सकता। मैंने कहा था ना, मैं अगर ये बात कहूंगी तो कोई भी मेरा विश्वास नहीं करेगा। हाँ, कोई भी विश्वास नहीं करेगा क्योंकि तुम झूठ बोल रही हो। मैं जहर खाकर अपनी जान दे देना चाहती थी और तुम कह रही हो मैं झूठ बोल रही हूँ। तुम्हें गलतफहमी भी तो हो सकती है, ठीक से सोच के बताओ, क्या वो गंगवा ही था? तुम जिस भगवान की कहो मैं कसम खाने को तैयार हूँ, वो गंगवा ही था, वो गंगवा ही था, वो गंगवा ही था। ये झूठ है, बकवास है। मैं किसी लड़की की इज्जत पर हाथ डालने वाले की जान ले लेता हूँ और तुम मुझे पर इल्जाम लगा रही हो। तुम जितनी बार मुझसे सवाल करोगे हर बार मेरा यही जवाब होगा, नहीं नहीं नहीं। और तुम चाहे जितनी बार भी इनकार करो मैं तुम्हारे जवाब पे विश्वास करने वाली नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। अगर विश्वास नहीं करती तो मुझसे सवाल करने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, चली जाओ यहां से। हाँ हाँ चली जाऊंगी, मैं तुम जैसे पापी इंसान के साए से भी दूर रहना चाहती हूँ। तुम्हारे टुकड़ों पे पलने से तो अच्छा है कि भूखों मर जाऊं। जमना, तुमसे तो अच्छा वो आदमी था जो उस दिन तुमसे डरकर मुझे छोड़कर भाग गया। उसने किसी मजबूर लड़की की इज्जत तो नहीं लूटी, किसी का जीवन बर्बाद तो नहीं किया। बस करो जमना, बार बार मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, मैं खून में आग लग रही है। ये सब दिखावा है, ढोंग है। अगर तुम सच बोल रहे हो तो यही बात तुम गांव की पंचायत के सामने आके कह सकते हो कि तुमने ये पाप नहीं किया? उस लड़की के मुंह पे कह सकते हो जिसने तुम्हारे कारण आत्महत्या करने की कोशिश की? बोलो, है हिम्मत? हिम्मत? तुम गंगवा की हिम्मत को लुका रही हो? अरे उस गांव की पंचायत तो क्या सारी दुनिया की पंचायत के सामने खड़ा होकर ऊंची आवाज में कह सकता हूं मैंने ये पाप तो नहीं किया। तुम फौरन जाओ गांव में और पूछो उस लड़की से, उसमें हिम्मत है भरी सभा में मेरे मुंह पर ये इल्जाम लगाने की? अगर हाँ तो बुलाओ पंचायत को आज ही।
गंगवा, आओ बैठो, आओ। इस गांव का हमेशा से ये दस्तूर रहा है कि मुल्जिम को पंचायत के सामने खड़ा रहना पड़ता है। मैं भी खड़ा रहूंगा। क्या मतलब? तुम मुल्जिम हो, तुम पर इल्जाम लगाया गया है। हाँ, किसी की इच्छा है कि मैं आप लोगों के सामने एक मुल्जिम की हैसियत से आकर खड़ा रहूं, इसलिए मैं आ गया हूँ। शायद अब उनके दिल को शांति मिल गई होगी। ऐसी चालाकी से बातें करके तुम खुद को बेगुनाह नहीं साबित कर सकते। तुम गुनहगार हो, पापी हो। जमना, जबान संभाल के बात कर। ये अकेला इंसान है जिसके दम पर गांव के लोग और उनकी इज्जत जिंदा है, समझी? गंगवा भैया हमारा भगवान है, हमारा अन्नदाता है। ये तुम लोगों को रोटी देता है, लेकिन उसके बदले में क्या छीन लेता है ये तुम्हें नहीं मालूम। तुम लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे ना कि बताओ उस लड़की की इज्जत टूटने वाला कौन है, हम उसकी खाल उधेड़ देंगे। तो लो अब बताती हूँ, ये है वो पापी जिसने राधा की इज्जत लूटी, उसकी मजबूरी का फायदा उठा के उसके साथ मुंह काला किया। जमना क्या बकती है, गंगवा पर ऐसा आरोप लगाती है, तू क्या इसे साबित कर सकती है? उस लड़की ने जहर खाकर खुद को खत्म करने की कोशिश की, फिर भी तुम लोगों को सबूत चाहिए। अगर वो जिंदा आग में कूद जाती तब भी तुम नहीं मानते, क्योंकि ये तो गंगवा का मामला है ना, गंगवा जो सबको रोटी देता है और जिसकी सब पूजा करते हैं। मौसी से कहो ज्यादा बकवास ना करे और जाकर उस लड़की को पंचायत के सामने लाए, और अगर उस लड़की ने पंचायत के सामने ये कहा कि मैंने उसके साथ जुल्म किया है तो कसम काली माता की पंचायत जो भी सजा देगी मुझे मंजूर है, मौत की सजा भी। उस लड़की को पंचायत के सामने लाया जाए। आओ। बेटी, ये क्या किया तूने? ये क्या किया तूने बेटी? उस लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अब कलेजा ठंडा हो गया तुम्हारा? अब क्या तुम उस लड़की की लाश को पंचायत के सामने लाकर उससे सवाल करोगे? तुम्हारे पाप का सबूत तो मर गया, मतलब दुनिया की नजरों में तुम्हारा पाप मर गया। अगर तुम इंसानों के बीच रहते तो उनकी इज्जत, उनकी आबरू, उनकी भावनाओं को समझ सकते थे, लेकिन तुम तो जंगल में जानवरों के साथ रहते रहते खुद भी जानवर बन गए हो, और किसी जानवर से इंसानियत की उम्मीद रखना बेवकूफी है। बकवास बंद करो। हमारे गाँव में किसी लड़की के साथ बलात्कार करने की क्या सजा होती है? उसे पंचायत के सामने 25 कोड़े मारे जाते हैं। मैं इस सजा के लिए तैयार हूं, इसलिए नहीं कि मैंने यह जुर्म किया है, बल्कि इसलिए कि मुझ पर जो इल्जाम लगाया गया है उसको गलत साबित करने के लिए मेरे पास सबूत नहीं है। लेकिन सच्चाई में बहुत बड़ी ताकत होती है, वो थोड़ी देर के लिए छुप सकती है लेकिन मर नहीं सकती। एक दिन तुम लोगों को भी सच्चाई का पता चल जाएगा, इस बात को याद रखना। भीमा, एक कोड़ा लाओ। कंगुआ, कोड़ा लाओ। लो, तुम में से कोई भी उठाओ एक कोड़ा और दो मुझे सजा, उधेड़ दो मेरी खाल। अगर तुम लोग मुझे सजा देना नहीं चाहते तो मुझे सजा पाने के और भी तरीके आते हैं। भीमा, उठाओ एक कोड़ा। लेकिन गंगू, जो मैं कहता हूं वो कराओ। हाँ? Come on.
माफ कर दे गंगवा। गंगवा रोते नहीं, चलो चलते हैं। थी बुलबुल, फाकती कहाँ है? कौन हो तुम? हम वो हैं जिसके नाम से जमाना थर थर कांपता है। शेर चूहे बनकर बिल में घुस जाते हैं, पुलिस वाले घबरा कर रास्ता भूल जाते हैं, और बड़े बड़े डाकू अपने हथियार फेंक देते हैं। हमारा नाम है गंगवा। गंगवा? तुम गंगवा हो? और नहीं तो कौन है? अच्छा, तो तुम ही वो बदमाश हो जो लड़कियों को अकेला पाकर जबरदस्ती उनकी इज्जत पे हमला करता है? इसमें बुराई क्या है? हम इस गांव के लोगों को खाना खिलाते हैं, माली बनकर उनकी देखभाल करते हैं। जब माली को भूख लगे और वो अपने ही बागीचे में से एक आध फल तोड़कर खा ले तो कौन सा गजब हो जाएगा? आज हमें भूख भी है और फल भी सामने टपक पड़ा है, तो क्यों ना। लोगों को अगर अपनी जानें प्यारी हैं, तो इस लड़की को मेरे पास छोड़कर फौरन यहां से भाग जाओ, वरना याद रखो मैं एक दिन में 9 खून कर चुका हूं और आज 5-6 और खून करना मेरे लिए मामूली बात होगी। तुम कौन हो? मैं गंगवा हूं। साला झूठा लुच्चा बदमाश, नकली गंगवा बनता है हरामी। हम गंगवा को नहीं जानते क्या? मारो साले को। साला भाग गया। देखा, नकली कहीं का, यही लड़कियों को उठा के ले जाता था और बदनाम हमारा गंगवा होता था। तुमने उस पर गलत इल्जाम लगाया और उस बेचारे ने भरी पंचायत में खामखा अपने आप को कोड़े लगवा लिए।
तुम यहां क्या करने आए हो? ये आंसू किस लिए बहाए जा रहे हैं? जिस मुंह से मैंने आपका अनाज खाया, उसी मुंह से आपका अपमान किया, गालियां दी, बदनाम किया, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कहा था ना, सच्चाई थोड़ी देर के लिए छुप सकती है लेकिन मर नहीं सकती। आज आखिर तुमको और गांव वालों को सच्चाई का पता चल गया, मेरे लिए यही काफी है। बहुत दर्द हो रहा है। जंगल में अगर शेर के पैर में कांटा चुभ जाए तो वह एक आदमी लंगड़ा कर ही चलता है, फिर अपने आप ठीक हो जाता है। मुझे माफ नहीं करेंगे? इसमें माफी की क्या बात है, तुम तो बहादुर लड़की हो, कम से कम भरी पंचायत में मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत तो की। खैर छोड़ो इन बातों को, इतनी दूर से मुझे देखने के लिए चलकर आई हो, मेरे लिए कुछ लाई हो क्या? क्या लाई हो? ये क्या है? मैं समझा तुम गांव से आई हो तो मेरे जख्मों के लिए दवाई लाई होगी, तुम तो मंगलसूत्र लाई हो, ये मेरे किस काम का? याद है जब हम पहली बार मिले थे आपने मुझसे क्या कहा था? ये मंगलसूत्र उसी आदमी के हाथों पहनूं जो जीवन भर मेरी रक्षा कर सके। हो अंगारा हूं मैं, तू कोमल कली।
अरे छोड़ दे हमारे बाप, छोड़ दे। अरे हम तेरे पाँव पड़ते हैं, छोड़ दे बाबा, हम बहुत परेशान हैं। जा बाबा, जा। हाँ जाओ अपने घर जाओ। मैं तो तुम्हें जमीन के अंदर दबे खजाने के बारे में बताना चाहता था, मैं तुम्हारी तकदीर ही खराब है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो चला। अरे ठहर भैया ठहर, कौन खजाना है? अरे तू तो मेरा ला है, मेरा कलेजा है, मेरा लगते जिगर है। बातों पे खजाने का नमक छिड़के कहाँ चला, जरा ढक्कन खोल, वो सब कहाँ है खजाना? ये पहले पकड़ो फिर बताता हूँ। खाली पकड़वाते रहोगे या कुछ बतलाओगे भी? पहले पकड़ो फिर बताता हूँ। कहे को जादू टोना करने जा रहे हो क्या? नहीं। अच्छा जल्दी बताओ, हमारा दिल अंदर से बंदर की तरह उछल रहा है, बताओ। पहले इधर उधर देखो, कोई हमारी बातें तो नहीं सुन रहा? अरे कोई नहीं है यार, जल्दी बोल। उधर छत की तरफ देखो, हुआ का है? अपनी बातें कोई बदमाश लड़की तो नहीं सुन रहे हैं? अरे कोई नहीं हुआ तो अब है। भगवान तेरा भला करे, मैं अब करेगा नहीं, ये पकड़ रहे। और वो खजाने वाली बात? अरे वो खजाना हमको पता चल गया, चल तू भाग। उफ़ो, अब इस वक्त क्या लेने आए हो? ये तोरे मकान के ढक्कन पे लाल झंडा जो लटक रहा है, उस पर कुछ प्रेम की रोशनी डालेगी, चक्कर का है? चक्कर वक्कर कुछ नहीं, वो तो का वो तो तू समझता क्यों नहीं रहे? तो समझाती का है नहीं? देख मैं तुझे बताती हूँ, मगर तू और किसी को मत बोलना कि मैंने तुझे बताया। बताओ, हम किसी को नहीं बताएंगे कि तूने हमको बताया कि किसी को क्या नहीं बताना। आज शहर से है? एक छेल छबीला बांका नौजवान आने वाला है। चमेली, तोरी नजर खराब हो गई है का? अरे जब अपने गाँव में इतना छेल छबीला बांका नौजवान है तो बाहर से बुलाने की क्या जरूरत है? घर के फल भूल जाती हो, बाहर से मंगा के खाती हो। मगर उस छैल छबीले का ई लंगोट से का संबंध है कुछ समझ में नहीं आवा। इसका मतलब ये है कि रास्ता साफ है, आ जाओ। मतलब डंडे पे झंडा लटका के सिग्नल देती हो कि आ जाओ। उस साला है कौन जो हमारे गांव में अपने लिए डंडे पे झंडा लटकवा रहा है? एक बहुत ही भारी भरकम पहलवान है। हाँ? पहलवान? मगर सुन, अगर रात तू पहलवान नहीं आता तो क्या? मैं सो जाऊंगी अकेले? नहीं, हमारा मतलब था हम पिछले हफ्ते तोरी खातिर कुछ हलवा खरीद के रखे रहे, वो रखे रखे सड़ रहा है, हम सोचे कि रात को खुद ही लेके आ जाते हैं, फिर दोनों बैठ के प्रेम से जरा खाएंगे। और अगर पहलवान आ गया तो? काहे घड़ी घड़ी भैंसे का नाम लेती हो, हमारी इजाज़त ढीली हुई जात है। पर पता कैसे चलेगा वो भैंसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शाम सूरज ढलते ही हम इलायची को तेरे पास भेज देंगे खबर लेने के लिए। अगर वो भैंसा पहलवान आया तो तू एक लोटा भर के पानी भेज देना, फिर हम नहीं आएंगे। और अगर नहीं आया तो तुम आधा लोटा पानी भेज देना, हम समझ जाएंगे कि हमारे लिए रास्ता खुला है, और फिर हम खुशबू लगाई के नयनों में कजरा सजाई के तेरे दरबार में हाजिर हो जाएंगे। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। चलो चलो, कहाँ चलो? हाँ चले चलो, क्या दिमाग पाया है। अरे ठहरो पहले, अमित सुनो, निकालो नहीं, एक काम करो चंपा, ये जो ऊपर लाल रंग का लंगोट लटक रहा है उतार दो, इसको देखकर मतली हो ही रही है। मुझे भी उठी निकाल लूं। जा जा। अच्छा जो, मगर एक बात भूलना नहीं। क्या है? आधा लोटा पानी होगा तो हम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। भगवान तोरा भला करे, मगर करेगा नहीं।
चंपा, तूने मुझे बुलाकर बहुत बड़ी भूल की। बुलेट कहा तो बीमार है, इसलिए मैं फौरन बिना कुछ सोचे तुझे देखने इधर चला आया। और तू यहां अच्छी बली है, मेरे लिए खाना पका कर रखा है। चंपा, अब मैं वो आजाद गंगवा नहीं रहा कि अपनी मर्जी से हर जगह आ जा सकूं, लोगों की दावतें कबूल कर सकूं। चंपा की दावत भी नहीं? खैर, मेरे कहने पर तुम इतनी दूर से आए हो, बिना खाए तुम्हें जाने नहीं दूंगी। कुछ तो खाना ही होगा, नहीं तो चंपा की अर्थी उठते देखोगे। कैसी बातें कर रही हैं? अच्छा, थोड़ा पानी लाओ पहले। चंपा, औरत का पल्लू उसकी इज्जत की निशानी है, इसे हमेशा कांधे पर होना चाहिए। और एक बात बताऊं, आग से खेलने की कोशिश मत कर, वरना पल्लू के साथ शरीर भी जल जाएगा। दिल जलों को शरीर जलने की परवाह नहीं होती गंगवा। सारी दुनिया मेरे शरीर की तरफ देखती है, लेकिन ये कोई नहीं देखता कि इस शरीर में एक दिल भी है जो सिर्फ तुम्हें चाहता है। मैंने कभी तुझे अपनी पत्नी या प्रेमिका के रूप में नहीं देखा चंपा, एक हमदर्द, एक दोस्त के रूप में देखा। तो क्या एक हमदर्द, एक दोस्त पत्नी नहीं बन सकती? मैं नाचने वाली जरूर हूं गंगवा, लेकिन मेरा एक ही सपना है, सब कुछ छोड़कर तुम्हारी दासी बनकर तुम्हारे चरणों में अपना जीवन गुजार दूं। उन चरणों में तो मौत का बारूद लिपटा हुआ है, उनमें जिंदगी क्या गुजरेगी। एक काम करो, कोई अच्छा सा लड़का तलाश करके उससे शादी कर लो। शादी? अगर मैं शादी की इच्छा दुनिया वालों पे जाहिर करूं तो मेरी चौखट पे मन चले नौजवानों की भीड़ लग जाएगी, लेकिन उस भीड़ में गंगवा मुझे नहीं मिलेगा। चंपा, मैंने बहुत दिनों पहले अपने हाथों से अपनी कब्र खोद ली है, आज नहीं तो कल मैं उस कब्र में लड़खड़ा कर गिर ही जाऊंगा। इसलिए जिस तरह पुलिस गंगवा को इस दुनिया से निकालना चाहती है, तू भी गंगवा का ख्याल अपने दिल से निकाल दे, यही तेरे लिए बेहतर है। क्या है रे? छोटे डाकू ने पानी मांगा है। पानी? ओ, तो यही ढेर मिला था। हाँ। चिच चिच ऐसे दिन अपन को अच्छे नहीं लगते, छोटे डाकू के ऐसी की तैसी। ये ले, पूरा भरा हुआ लोटा है, संभाल के ले जाना, गिराना मत। हाँ हाँ, हम जानते हैं। क्या हुआ? अरे इलायची आया कहीं नहीं, कहीं वो पहलवान उसको खा तो नहीं गया, बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अरे रे मालिक, ये लो। ला, है? आधा लोटा पानी मतलब मोहब्बत की मेहरबानी। बुलावा आ गया, चंपा का बुलावा आ गया। अरे पहले कड़ी लगाते हैं फिर दिल की सुनाते हैं। भगवान तुम्हारा भला करे, मगर करेगा नहीं। चंपा, कसम जिद नगानी के बर्तन की जे में जवानी उबल रही है, हम पूरी तैयारी करके आए हैं, प्रेम का महफिल में कव्वाली सुनाने को तैयार हैं। ये देखो, ये हलवा है, ये मुर्गी का जलवा है, पीछे कोई खांसता है, कौन है भाई? इधर आ। आए आए, फट गवा हमरा हर इलाका, फट गवा कुर्ता, फट गवा इजार, फट गई बंडी, फट गई
अरे लैला के इशक में मजनू का फटा होगा जो हमरा फट गवा। अरे कैसन मारा रे, धोबी जैसे घाट पे कपड़ा पटक पटक के धोता है वैसन हमको खाट पे पटक पटक के मारा है। हमरी किस्मत खराब के हम हुआ पहुंच गए। अरे कहां कहां मारा, कौन कौन कोना में मारा ही भी नहीं सोचा। कहां मारने का लाइसेंस है कहां मारने का नहीं है, बाउंड्री क्रॉस कर कर के मारा है, उछल उछल के मारा है। ए, कौन है तुम? अरे हमको खुदा ही खबर नहीं है हम कौन जानवर हैं, कौन तबेला से आए हैं, कौन तबेला में जा रहे हैं, तो तुमको कहा बताएं? सीधी तरह बताओ तुम कौन हो। अरे कैसन आदमी हो यार, जब हम सच सजाए के खुशबू लगाए के जा रहे थे तब तो नहीं मिले, और अब जब फटफटाए के चले आ रहे हैं तो पूछते हो कि कौन है, शर्म नहीं आती है? मैं जानना चाहता हूँ तुम फकीर हो कि चोर? दोनों है, इसक के चोर है, मोहब्बत के फकीर है, इसीलिए मार खाई के आ रहे हैं। मगर ये सब क्या है, तुम्हारे चेहरे पे चावल, शरीर पे सालन, ये सब क्या है? वो जिस पतीला में चावल पक रहा था ना, हम उसमें भग देनी से गिर गए, लफंगा कहीं का। क्या? तुमको नहीं भाई, वो जो हमको मारा हम उसको गाली दे रहे हैं। मगर उसने ऐसा क्यों मारा तुमको? अरे कैसे आदमी हो यार, जिसको मारना होता वो थोड़ी सोचता है कि चलो पहले खाना खाए ले, फिर हाथ मुंह धो ले, बीड़ी फूंक ले, आधा घंटा नींद मार ले, फिर बाप का माल समझ के पेट पिटाए ले। जिसको मारना होता है झपाटा मारता है और मार देता है। कौन गांव से आया है, पागल खाने से छूट के आया है कारे? ये हाथ में क्या है? ये गरीब एक जमाने में टिफिन था, एक जमाने में इसमें खाना जाया करता था, आज इसका जनाजा जा रहा है, तुम भी जाओ। अरे भाई कोई है गांव वालों? अरे यहाँ कोई पुलिस स्टेशन है? पुलिस? ये पगला तो हमको खुद ही पुलिस दिख रहा है। ए पगले बाबू, जरा आगे खसक के आओगे बाबू? क्या है? एक बात बताओ, तुम असली पुलिस वाले हो कि नकली हो? असली हैं। अच्छा लगता तो नहीं है, मर हो ही सकता है। अच्छा हम यही कंप्लेंट लिखा देते हैं, कहा है कि पुलिस स्टेशन चलने की हम ताकत नहीं है, हमारा हर इलाका सूजा हुआ है, तो जरा मुंडी हिया लाओ और कान जरा हमरे होंठ के करीब खसकाओ। यहाँ तो कोई भी नहीं। झूठ मत बोलो।
सुनो, पुलिस हमारे पीछे लगी है, हमें यह जगह अभी और इसी वक्त छोड़कर निकल जाना चाहिए। कालिया मोती, तुम दोनों नीलम के घने जंगलों में जाकर छुप जाओ। बीमा, तुम मेरे साथ आओ। अच्छा भैया, चलो। पतले रास्ते से चले जाओ, मैं सीधी सड़क से जाता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। हम दोनों एक ही रास्ते से जाएंगे। गंगवा, ये जिद और बहस करने का वक्त नहीं है। तुम इस पतले रास्ते से चले जाओ, मैं यहाँ से जाता हूँ। जिद तो तुम करे हो बीबा, चलो जाओ। ये तो इस कदर जल गया कि इसकी शक्ल भी पहचानी नहीं जाती। यस सर। सर, सिर्फ हाथ का थोड़ा सा हिस्सा जो जलने से बच गया है, उस पर त्रिशूल का निशान है। फिर तो ये गंगवा ही होगा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। कालिया, मोती, अगर मैं एक बात कहूं तो तुम लोग गलत तो नहीं समझोगे ना? क्या है भैया? पहले मैंने अपने बहुत ही वफादार दोस्त अब्दुल्ला को खो दिया, फिर अपने प्यारे भाई भीमा को। मैं नहीं चाहता तुम लोग भी मेरे दोस्त ही निभाने के लिए अपनी जिंदगी से बेवफाई करते जाओ और पुलिस की गोलियों का निशाना बनते जाओ। बेहतर यही होगा तुम दोनों मुझे छोड़कर कहीं और चले जाओ। गंगवा भैया, हमने जिस दिन तुम्हारी दोस्ती निभाने के लिए घर छोड़ा था, उसी दिन मौत से रिश्ता भी जोड़ लिया था। तुम्हारी एक मुस्कुराहट की खातिर सारी गन मशीन की गोलियां अपने सीने में खाने को तैयार हैं हम। दोबारा कभी ऐसी बात करके हमारी दोस्ती का अपमान मत करना। ऐसे क्या देख रही हो? गांव में सब लोग कह रहे थे कि तुम मर चुका हो, यही ना? दुनिया को यही समझने दो कि गंगवा मर गया। मैं सिर्फ तुम्हें यह बताने आया हूं कि मैं मरा नहीं, जिंदा हूं। लेकिन गांव में मेरे अलावा और भी तो लोग हैं, उनके घरों में जाकर क्यों नहीं बता देते कि तुम जिंदा हो? हाँ, जरूर बता देता अगर उनके घरों में भी जमना होती तो। यही तो मेरी समझ में नहीं आता, सिर्फ जमना से इतनी हमदर्दी क्यों? कुछ दिन इंतजार करो, एक दिन मैं आऊंगा और जिस तरह पृथ्वीराज संयुक्ता को उठा कर ले गया था, उसी तरह मैं भी तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा
और जो मंगलसूत्र तुमने पल्लू में बांध रखा है ना, उसे तुम्हारे गले में बांध दूंगा, तब तुम्हारे समझ में सब कुछ आ जाएगा, है ना? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला डम डमा डम डमा। जा। अरे भैया, ये भोपला मैं बेचने के लिए सर पर लेकर नहीं घूम रहा हूँ, मंडी से खरीद कर ले जा रहा हूँ, हंडी में पकाकर खाने के लिए। सुना नहीं, मैंने तुझे रुकने को कहा है। कमाल है, जबरदस्ती गले पड़ जाते हैं। छी 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 छी, क्या जमाना आ गया, जवान लड़कों का चड्डी पहनकर अकेले में बाहर निकलना मुश्किल हो गया। चुप है, तेरे पास जितना पैसा है वो सब निकाल। क्यों निकाल, मैंने कोई तुमसे उधार लिया था क्या? जहाँ नाथ आश्रम के लिए तुम चंदा इकट्ठा कर रहे हो, तुम हो कौन? मैं मैं इन वादियों का शेर हूँ, जिसकी आवाज से ये पहाड़ कांप उठते हैं, यानी के गंगवा हूँ। निकाल पैसे, वरना इस कद्दू के साथ साथ तेरे भी छोटे छोटे टुकड़े करके तुझे कच्चा खा जाऊंगा। निकाल। निकालता हूँ। निकाल। दस पैसे? अबे साले, मैं तुझसे कह रहा हूँ कि मैं गंगवा हूँ और तू मुझे भिखारियों की तरह दस पैसे भीख दे रहा है। अरे गंगवा महाराज, मैं तो एक गरीब चेला हूँ, दिन रात एक स्वामी जी की सेवा करता हूँ, तब कहीं जाके बचा कुचा मिलता है पेट भरने के लिए, मेरे पास तुम्हें और क्या मिलेगा। एक बात बोलूं, किसी से कहना नहीं, मेरे स्वामी जी आज शाम को इसी जंगल से गुजरने वाले हैं, वो भी अकेले, उनकी झोली में हीरे मोती और सोने चांदी के जेवर होंगे, जो उन्होंने मंदिर से मार लिए हैं, उन्हें लूटोगे तो एकदम माला माल हो जाओगे। तू सच कह रहा है? अरे गंगवा के सामने तो कौवा भी डर के मारे सफेद हो जाता है, मुझे झूठ बोल के मरना है क्या? शाम को तैयार रहना, जैसे ही स्वामी जी इधर से गुजरे पकड़ लेना, फिर देखना तुम्हें क्या क्या मिलता है उनसे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। रुक जा। हरे कृष्ण। बच्चे, साधु लोग और समय किसी के लिए नहीं रुकते, बस हमेशा चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। बकवास बंद कर, अपनी झोली में जो भी माल है वो बाहर निकाल, वरना इस लाठी से तेरा सर फोड़ दूंगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी बात कर रहे हो? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ये लो राख। ये राख दे के तू मुझे राख दे रहा? अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो बच्चा? ये राख नहीं, भस्म है, महाप्रसाद है, जो सब पापों और पीड़ाओं को दूर कर देता है। नहीं नहीं, तू बहुत बड़ा पापी है, ये सब तू नहीं समझेगा। हरे कृष्ण। डर जाओ स्वामी के बच्चे, भागता कहाँ है तू? अपनी इन बातों से जनता को बेवकूफ बना सकता है, मुझे नहीं समझा? अब निकाल वो सोना चांदी हीरे जवाहरात जो तेरे झोले में, निकाल। बच्चा, सच्चाई सोना है, सदाचार चांदी, और जिसके पास ये दोनों है वो मनुष्य हीरा है। चुप है, बहुत बकबक करता है, जानता है मैं कौन हूँ? तुम ही बताओ, फिर जान लेता हूँ। अबे सुनेगा तो तेरी सिट्टी गुम हो जाएगी और तू थर थर कांपने लगेगा। मैं ही वो मशहूर डाकू हूँ गंगवा। ऐसा क्या? लोग इस नाचिस को भी गंगवा कहते हैं। जिस तरह एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह एक जंगल में दो गंगवा भी नहीं रह सकते, एक को तो जाना ही पड़ेगा।
गंगवा, गंगवा मुझे माफ कर दे, मुझसे भूल हो गई गंगवा, अब ये गलती कभी नहीं होगी, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे गंगवा। हाथ ला, नहीं हाथ ला, यही वो हाथ है ना जो गांव की कमजोर और बेबस लड़कियों की इज्जत उठता था, यही वो हाथ है ना जो मजबूर गरीबों से उनकी कमाई लूटता था। जाकर गांव में सबसे कह दे, अगर दोबारा किसी ने गंगवा के नाम से जुर्म या पाप करने की कोशिश की तो मैं तेरे हाथ की तरह उसके गर्दन का डालूंगा। बस करते हो तुम, मैंने अपनी आंखों से उसकी लाश देखी है और तुम कहते हो उसने तुम्हारी उंगलियां काटी हैं, वो भी कोई तुम्हारी तरह नकली गंगवा होगा। नहीं साहब, आप जिसकी चाहे कसम ले लें, वो असली गंगवा ही था और कोई नहीं। अच्छा, उसके हाथ पे कोई निशान था? निशान? हाँ सब था, उसके सीधे हाथ पे त्रिशूल का निशान था। मुझे अभी भी यकीन तो नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी इस शक को दूर करने के लिए मैं उसकी तलाश करूंगा। कहां देखा था तुमने उसको? गोलान की टिकरियों पर साहब, जहां आदिवासी लोग रहते हैं। मुझे लगता है साहब, शायद उन आदिवासियों ने उसे वहीं किसी जगह छुपा रखा है। Oh, my God.
साहब किसको ढूंढता साहब? गंगवा को। गंगवा? वो तो नहीं है साहब। खामोश, झूठ बोलते हो, मैंने उसे यही बैठा हुआ देखा था। गुस्सा नहीं करना साहब, सब बोलता गंगवा मर गया। ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। अपनी आंखों से यही मैंने गंगवा को देखा था। वो मरा नहीं, जिंदा है, जिंदा है और जिंदा है। गंगवा जिंदा है? जी हाँ सर, पहले तो गांव के कुछ लोगों ने मुझे बताया कि वो जिंदा है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आया। कल आदिवासियों के यहाँ त्योहार था और मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा, मगर वहां से भी वो फरार हो गया। मैंने जिंदगी में एक से बढ़कर एक मुजरिम देखे हैं, लेकिन ऐसा चालाक मुजरिम कभी नहीं देखा। खैर इंस्पेक्टर। यस सर। मैं आज कमिश्नर साहब के यहाँ जाकर उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बहुत बड़ी फोर्स यहाँ भेज दें, ताकि हम इस इलाके को चारों तरफ से घेर लें। जी। और साथ ही उनसे खास ऐलान करवाने की भी इजाजत लेनी है। हर खास और आम को इत्तला दी जाती है कि गांव के 9 आदमियों का कत्ल करने वाले जयशंकर के बेटे गंगवा को पुलिस तलाश कर रही है, जिसे जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करवाने वाले को 10,000 रुपया नकद और 5 एकड़ जमीन सरकार की तरफ से इनाम में दी जाएगी। कितना इनाम मिलेगा? 10,000 रुपया नकद और 5 एकड़ जमीन। क्या तुमको मालूम है गंगवा कहाँ है? बोलो, मैं अभी तुम्हें इनाम दिलवाता हूँ। साले कमीने, गंगवा को पकड़वाने के लिए ढिंढोरा पीट रहा, मारो सब मिलके इसे। गंगवा भैया, सरकार की तरफ से यह ऐलान हुआ है कि जो कोई तुम्हें जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करवाएगा, उसे 10,000 रुपए नकद और 5 एकड़ जमीन इनाम में दी जाएगी। और पुलिस का बहुत बड़ा जत्था शहर से यहाँ पहुँचने वाला है तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए। गंगवा भैया, इस बार पुलिस के हाथ से बच निकलना बहुत मुश्किल लगता है। मैं कब से कह रही हूँ ये जगह खतरनाक है, चलो गाँव छोड़कर कहीं और चलते हैं। तुम एक आदमी हो, उधर पुलिस की पूरी फौज है, कब तक लड़ोगे? लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही नहीं, क्या करूं मैं? ठीक है, इस बार मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, अपनी जिंदगी के डर से नहीं बल्कि तुम्हारी खुशी के लिए हम यहां से चले जाएंगे। सच? क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ जमना, मैं तुम्हें लेकर यहां से बहुत दूर किसी ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां तुम्हें हर घड़ी मेरी जिंदगी की फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। बुलेट। हाँ भैया। तुम जमना को लेकर गांव में जाओ। अच्छा। और उसके बाद चंपा से कहना मैं उसे मिलना आखिरी बार आ रहा हूँ। बस वो भी जा रहा है, इस गांव की इज्जत, गरीबों का सहारा, वो भी जा रहा है। फिर तो ये गांव ऐसा लगेगा जैसे पिन भगवान का मंदिर। खैर, वो जहां भी जाए, जिसके साथ भी जाए, भगवान उसे सुखी रखे। आज के बाद हम गंगवा को कभी नहीं देख पाएंगे। खैर, मैंने जो कहा वो याद है ना? अगर खतरा ना हो तो ही लाल झंडी लहराना, वरना नहीं। समझ गई ना? अच्छा, मैं चलता हूँ। अच्छा, तो लाल झंडे का डंडा गंगवा को बुलाने के खातिर लगता था है? अब की बार भगवान तोरा भला करे, मगर करेगा नहीं। तो तुम गंगवा के बारे में कुछ नहीं जानते? हाँ, कुछ नहीं। और वो गांव में अक्सर छुप के आया जाया करता है, तुम्हें ये भी नहीं मालूम होगा? नहीं। और उसने ठाकुर महेंद्र सिंह समेत 9 आदमियों का खून कर दिया, शायद ये भी तुम्हें नहीं मालूम होगा। अदाकारी अच्छी कर लेती हो, लेकिन जहां नाचती हो वहां किया करो, वहीं अच्छी लगती है। किसी वर्दी वाले के सामने करोगी तो फंस जाओगी, समझी? ए तलाशी लो। यस सर। साहब ये देखिए,
इधर लाओ। ये क्या है? अब तक तो हर सवाल का जवाब नहीं नहीं में दे रही थी, अब तोहरी नानी मर जाएगी। बोल, इस झंडे का क्या मतलब होता है? हम तुमसे नहीं बल्कि गंगवा से पूछेंगे, जो अभी थोड़ी देर में तुमसे मिलने आने वाला है। अंदर जाओ और चढ़ा दो इसे। ले जाओ, चढ़ा दो इसे। बंद दरवाजे गंगवा के दिल में शक पैदा कर सकते हैं। जाओ और दरवाजे पूरी तरह से खोल दो और गंगवा के लिए मुस्कुराती हुई दरवाजे की चौखट पर खड़ी रहो। चलो कांस्टेबल, ले जाओ इन्हें। देखो चंपा, अगर तुमने कोई भी चाल चलकर गंगवा को बचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली मारने से बाज नहीं आऊंगा। तुम ऐसे अंदाज से खड़ी रहोगी कि उसे जरा भी शक ना होने पाए कि पुलिस अंदर है। जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करोगी तो इसमें तुम्हारा भी भला है और मेरा भी। क्या बात है चंपा, क्या हुआ? अरे बोलती क्यों नहीं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमसे इतनी जल्दी मुलाकात हो जाएगी। इंस्पेक्टर, इसे बांधकर गांव की गलियों से ले चलो। खतरों से जो हम कलाम है, बोलो तो क्या उसका नाम है? गंगवा।
खोलो। उठो। अरे उठो। क्या है? कब से तुम्हें बुला रहे हैं, सुनाई नहीं देता? बदमाश कहीं का। Let's go.
बातें करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। पुलिस मेरा पीछा कर रही है। मेरे बात गौर से सुन लो। तुम ब्रिट के साथ निकल जाना और वहाँ हनुमान फाड़ी के पास नदी के किनारे पर इंतजार करना। मैं किसी तरह पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर वहां पहुंच जाऊंगा। सूरज निकलने से पहले हम दोनों नदी पार कर जाएंगे और कहीं दूर दूर चले जाएंगे। ठीक है, शर्म तैयार हो जाओ। चलना जल्दी करो। आधी रात हो गई, गंगो भैया अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस ने उन्हें पकड़ कर ऐसी अशुभ बात। वैसे ही घबराहट के मारे मेरा दम निकला जा रहा है। से पहले हमने नदी पार कर ली तो फिर दुनिया की कोई ताकत न मुझे गिरफ्तार कर सकती है, न हम दोनों को अलग कर सकती है। चलो बैठो। बुलेट, जब तक जिंदगी बाकी है मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकूंगा। आज अगर मेरा भाई भी जिंदा होता तो शायद वह भी मेरी इतनी मदद नहीं कर पाता जितनी कि इस वक्त तुम कर रहे हो। अगर कभी वक्त बदला और तकदीर ने साथ दिया तो हम फिर एक बार इस गांव में आएंगे और सबसे पहले तुम्हें आकर मिलेंगे। हम चलते हैं बुलेट। गंगू भैया, आज तक तुमने सबकी मदद की है। आज जाने से पहले थोड़ी मेरी मदद भी करते जाओ ना। जरूर, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। चलो जमना, इस लाश को हम पुलिस के पास लेकर जाएंगे। पुलिस हमें 10,000 रुपए नकद और 5 एकड़ जमीन इनाम में देगी। उसमें से आधा मैं तुम्हें दे दूंगा। चलो जमना, चलो। ऐसे मत देखो, मुझे डर लग रहा है। जमना प्यार के बहाव में बहकर जिंदगी के किनारे से हमेशा के लिए चली गई। अगर वो चाहती तो जिंदा रह सकती थी, मगर अपने प्रेमी के जाने के बाद उसे जिंदा रहना मंजूर न था। वो जिंदगी को ठुकरा कर मौत के उस साहिल पर चली गई जहां उसका प्रेमी चला गया था। दूसरे दिन सुबह नदी के किनारे उन दोनों की लाशें पड़ी थी। डीएसपी सतीश बंसल बहुत खुश था कि जुर्म की किताब से कातिल का नाम मिट गया, मगर उसे ताज्जुब इस बात का था कि वो नाम गांव वालों के दिल की किताब में छप गया था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे क्योंकि जो देवता उनके दुखों पर प्यार का मरहम रखा करता था वो आज हमेशा के लिए खामोश हो गया था। मगर गांव वाले कहते हैं
कि गंगवा और जमुना की आत्माएं आज भी गांव में घूम रही हैं। उनके कहकहों की आवाजें आज भी वादियों में गूंज रही हैं। हर दिल में किसका मकाम है, बोलो तो क्या उसका नाम है। गंगवा